हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो सिखाने वाला हूँ वो है इस तरह का सिंपल फोटो का आप ऐसे ब्राउन कलर फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो भाई लोग, वीडियो को पूरा देखो और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको शेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लाइट रूम पर ऐड करना है फोटो को। ऐड होने के बाद आपको आना है लाइट रूम पर और फोटो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको आना है ऑटो वाले टूल पर और ऐड करना है। उसके बाद आपको आना है कलर वाले टूल पर। कलर वाले टूल पर आने के बाद आपको जाना है मिक्स वाले टूल पर। मिक्स टूल पर आने के बाद आपको जाना है ग्रीन वाले आइकन पर। ग्रीन वाले आइकन पर आने के बाद इसका हुई को थोड़ा माइनस कर देंगे 100 पर और सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद जाएंगे ऑरेंज वाले टूल पर। ऑरेंज वाले टूल पर आने के बाद इसका सैचुरेशन को थोड़ा कम कर देंगे। और ल्यूमिनेशन को थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसको कर देंगे डन। और उसके बाद जाएंगे इफेक्ट वाले टूल पर। इफेक्ट वाले टूल पर आने के बाद आपको इसका क्लियरिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं और बिगनेट को थोड़ा कम कर देते हैं। सो गाइस, इस वाले फोटो को अब सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको फिर से ऐड करेंगे। ऐड होने के बाद फिर से इस वाला फोटो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर से इसको ऑटो वाले टूल पर ऐड करना है। ऑटो वाले टूल पर ऐड करने के बाद उसके बाद कलर वाले टूल पर जाएंगे। कलर वाले टूल पर आने के बाद मिक्स टूल पर जाएंगे एंड उसके बाद योला कलर पर आएंगे और इसका हुई को थोड़ा कम कर देंगे एंड सैचुरेशन को थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद जाएंगे ग्रीन वाले टूल पर। ग्रीन वाले टूल पर आने के बाद इसका सैचुरेशन को थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद जाएंगे एक्वा वाले कलर पर और इसका सैचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देंगे। इसके बाद जाएंगे ब्लू वाले कलर पर और इसका सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ से डन करते हैं। सो गाइस, देख सकते हो पिक्चर कंप्लीट हो गया और कितना ऑसम लग रहा है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।